नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का इस सुंदर सुबह में सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, बाइबल की एक सुंदर सी शिक्षा है कि तुम दूसरों से वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम दूसरों से स्वयं के लिए चाहते हो। महत्वपूर्ण शिक्षा है। चाहना तो हमारी सभी से स्नेह की, सम्मान की, सहयोग की होती है, लेकिन क्या हम वो दूसरों को देते हैं? सिद्धांत यही कहता है, जो देंगे वही प्राप्त होगा। और आपने अनुभव किया होगा, एक बार हम किसी की मदद करते हैं, वो कई बार हमारी मदद करने को खड़े हो जाते हैं। एक बार हम किसी की सराहना करते हैं, वो कई बार हमारी सराहना करते हैं। एक बार हम किसी की मदद में आगे आते हैं, वो अनेक बार हमारी मदद के लिए खड़े हो जाते हैं। तो सुंदर सिद्धांत को समझते हुए मित्रों, हम अपने जीवन को सुवासित करें। और ऐसा ही है कुछ आज का सुंदर सुवाक्य। ओम शांति। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे लोग आपकी प्रशंसा करें, तो आपको सबसे पहले दूसरों की प्रशंसा करनी होगी। जब आप दूसरों की प्रशंसा करेंगे, तो ना चाहते हुए भी आपके जीवन में प्रशंसा आनी शुरू होगी। कहते हैं कि एप्रिशिएशन, प्रशंसा और एक्सेप्टेंस, स्वीकार कर लेना दूसरों की विशेषताओं को, एक बहुत बड़ी बात है। हमारी फॉर्मर चीफ आदरणीय दादी जानकी जी कई बार ये कहती थी कि सारे दिन में कम से कम 5 लोगों की प्रशंसा करें। और जब आप दूसरों को उत्साह देते हैं, उन्हें प्रशंसा के शब्द बोलते हैं, तो आपके जीवन के अंदर कामयाबी, आगे बढ़ने का उत्साह बना रहता है। तो हम कंजूसी ना करें, देखते हुए हम ये ना देखें कि उनके अंदर क्या कमी है। अगर देखें तो उनके गुणों को देख लें, और जरूर आज से कम 5 लोगों की प्रशंसा करें, उत्साह बढ़ाए। ओम शांति। मित्रों, एक बहुत ही सुंदर सी पंक्ति मैंने कहीं पढ़ी थी, हंसाने वाली, गुदगुदाने वाली भी है तो साथ ही कारगर भी है। और वो पंक्ति ये थी कि यदि आप पेंशन लेंगे तो आपकी बीवी आपका पेंशन लेगे। सचमुच गुदगुदाने वाली बात है ना। यदि आप तनावग्रस्त होते हैं तो अपनी आयु कम करते चलते हैं और जल्दी ही ईश्वर के पास पहुंच सकते हैं। माना कि संसार में बहुत तनावग्रस्त स्थितियां पैदा होती रहती हैं, बातें बहुत ज़्यादा आती और जाती रहती हैं, लेकिन उन तनावग्रस्त स्थितियों में भी अपने आप को संतुलित रखा जा सकता है। और आज इसी पर सुंदर प्रकाश दे रहे हैं डॉक्टर साहब कि कैसे कुछ एक्सरसाइजेज ऐसे हैं जिनके माध्यम से भी हम अपने तनाव को कम कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम तनाव मुक्त जीवन का आनंद ले सकते हैं। ओम शांति। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, आज के समय को तनाव का समय कहा जाता है। 21वीं सेंचुरी को सेंचुरी ऑफ स्ट्रेस कहा जाता है। और आज सबसे जो कॉमन बीमारियां हैं वो स्ट्रेस इंड्यूस्ड डिजीज़ हैं, जिन्हें हम साइकोसोमेटिक डिजीज़ भी कहते हैं, और जिनको हम कई बार नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, जो ज़्यादातर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, वो भी सब स्ट्रेस से रिलेटेड हैं, जो कि लगभग 90% डिजीज़ आज सारे विश्व में वही बीमारियाँ हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, माइग्रेन, पेट की बीमारियाँ, हड्डियों की बीमारियाँ, कैंसर, लंग्स की बीमारियाँ, ये सब के सब कहीं ना कहीं इसमें स्ट्रेस का एक बहुत बड़ा रोल है। तो अगर आप आज डिप्रेशन जो आप देख रहे हैं समाज में, सुसाइडल रेट बढ़ते जा रहे हैं, एक्सीडेंट्स में भी स्ट्रेस का रोल है दोस्तों, और इवन ड्रग एडिक्शंस जो होते हैं उनमें भी स्ट्रेस का रोल है।
तो मैं आपके सामने, आप जानते हैं कि मेडिटेशन का बहुत सुंदर साधन है स्ट्रेस को रिलीव करने का। मेडिटेशन तो आप करें ही, किंतु जब भी आपको कोई ऐसा ओकेजन होता है घर में या ऑफिस में, या आप अगर अपने बिजनेस में भी हैं, आप आपकी शॉप है या कुछ भी ऐसा है, तो जब आपको स्ट्रेस होती है तो आप 5 मिनट के लिए थोड़ा सा सामने अपने कॉरिडोर में निकल जाइए, 5 मिनट के लिए वॉक कर लीजिए, या एक या दो मंजिल स्टेयर्स आप चढ़ जाएँ, उतर जाएँ, और उस समय आप देखेंगे इससे भी आपकी स्ट्रेस रिलीव होती है। तो जब आपकी स्ट्रेस रिलीव होती है उससे क्या ऐसे देखने में आया है, ये 5 मिनट की थोड़ी सी शॉर्ट वॉक और या 2-3 मंजिल आप चढ़ जाएँ उतर जाएँ, तो इससे भी आपका ध्यान वो स्ट्रेस से अलग हो जाता है, और उससे भी आपके अंदर एंडोर्फिन्स और दूसरे एनकैफेलिन्स निकल आते हैं, जिससे कि आपका सिस्टम पूरा रिलैक्स हो जाता है और आप उस स्ट्रेस को, जो तनाव का जो वातावरण था, तो बदल जाता है। तो दोस्तों, तो इससे आप देखेंगे कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको रिड्यूस करने में उसका एक एक्यूट इम्पैक्ट आपके हेल्थ पर नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, आज ज़रूर दिन में ट्राई करके देखिएगा और अपने साथियों को भी बताइएगा कि ये एक बहुत सिंपल साधन है, जो है आप एक छोटी सी वॉक या इवन आप 5 बार लंबा सांस ले लें तो भी आपकी स्ट्रेस रिलीव हो जाएगी। मित्रों, कई बार जब हम तनाव के विषय में सोचते हैं तो आप विचार करके देखें कि ये अपने जीवन से कम जुड़ा होता है, औरों के जीवन से ज़्यादा जुड़ा हुआ होता है। जब हम औरों को देखते हैं, औरों की बातें करते हैं, औरों के बारे में सोचते हैं, तो वो तनाव हमारा ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता चला जाता है, जिसका हमारे जीवन से कोई कनेक्शन नहीं होता। तो क्यों ना अनावश्यक तनाव से अपने आप को बचाएं। एक्सरसाइज तो करें ही, लेकिन अपनी अच्छी सोच, अच्छी समझ के साथ कुछ व्यर्थ चीज़ों को अपने जीवन से निकालते चलें तो तनाव मुक्त रहेंगे। कई शिखर पर बैठे हुए लोग जिनके पास बड़ी जिम्मेवारियां हैं, आप सोच सकते हैं कि उनके पास भी कितनी तनावग्रस्त स्थितियां हो सकती हैं, लेकिन वो जीवन का सहज रूप से आनंद लेते हैं अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए भी। ऐसे ही एक विशिष्ट जन की विशिष्ट बातों में आज हमारे विशिष्ट अतिथि हैं श्री पी अजय कुमार जी, जो कि तेलंगाना के यातायात मंत्री हैं। आइए मिलते हैं। जब भी मैं पिछली बार आया था, माउंट आबू आया था, अभी भी बाबा के घर आए, अब तो हम बाबा के बच्चे बन गए हैं। तो माई वाइफ एंड माई सन एंड माई सेल्फ, वी आर द चिल्ड्रन ऑफ बाबा। 6-7 महीना मैंने, मुझे मंत्री नहीं बनाया था, तो उस वक्त भी हमारे पास जितने सारे दीदियां और सिस्टर्स एंड ब्रदर्स इन सारे सेंटर्स, वो सारे जो है इतने बार जो है बाबा से रिक्वेस्ट करें कि भाई साहब को मौका दें, और एंड माय वाइफ वाज ऑलवेज सेइंग दैट बाबा इज विद अस एंड बाबा विल गिव यू डेफिनेटली। और इस बार तो मैं सिर्फ धन्यवाद कहने के लिए, और मेरा ये जो झुकाने के लिए आया था, मेरा जो कर्ज था उस लिए आया हूँ यहाँ पे, मगर बहुत अच्छा हुआ है। आज सुबह मैं ऊपर गया था माउंट आबू में और चारधाम गया था और बाबा के पास गया, बाबा के पास जाके वहाँ फिर सुबह में मुरली में भी शामिल हुए थे, उसके बाद जो है मैंने थोड़ी देर वहाँ पे टाइम बिताया था। बहुत अच्छा, और भी पॉजिटिव एनर्जी मिल रहा है, काफ़ी काम अभी मुझे करना है, तो इसमें थोड़ा मेरा डाउट्स था तो बाबा से पूछना था, तो हम ऊपर जाके बाबा से पूछ लिया और एक चिट्ठी भी दे दिया बाबा को कि जो भी मुझे करना है और भी जो ड्यूटीज हैं उसके लिए बहुत सारे ताकत हमें दे और इतना पॉजिटिविटी दे, वो हमें अच्छा लगा। और दूसरी बात है, ऊपर हमने हॉस्पिटल भी मैंने विजिट किया, क्योंकि हमने बोला था कि वी हैव मेडिकल कॉलेज इन द हॉस्पिटल, सो उस एक्सपीरियंस में भी हॉस्पिटल जो हमने विजिट किया है, बहुत अच्छा हॉस्पिटल वहाँ पे, ऊपर जो विजिट हुआ, मेरा विजिट से मालूम हुआ है कि अच्छा सर्विस वहाँ पे कर रहे हैं और एक्सपेंशन भी हो रहा है, और जिस तरह से जो सर्विस जो मिल रहा है, तो सर्विस टू मैनकाइंड, स्पिरिचुअल सर्विस और सर्विस टू द वर्ल्ड, सो मेनी कंट्रीज, सो मेनी सेंटर्स, और जो स्ट्रेस में होते हैं, खास करके आज के युवा पीढ़ी जो है जो स्ट्रेस में होते हैं, उन लोगों के लिए भी काफी जो है सर्विस हो रहा है। मित्रों, यदि आप तनाव शब्द को देखते हैं तो यदि इसका संधि विच्छेद करें तो थोड़ा सा भाव आता है तन में आओ,
यदि आप तन में आओ अर्थात तन के भान में बॉडी कॉन्शियस में ज़्यादा रहते हैं तो ये तनाव की स्थितियाँ ज़्यादा पैदा होती हैं। और इसीलिए आध्यात्म ये सिखाता है कि आप अपने आध्यात्मिक स्वरूप में रहें, आप अपने आत्मिक स्वरूप में रहें तो आप तनाव से सहज मुक्त हो सकते हैं, जीवन का आनंद ले सकते हैं। और यही कला ब्रह्मा कुमारीज अपनी सेवाओं के माध्यम से जन जन तक पहुंचा रही हैं, सबको सिखा रही हैं कि कैसे आप अपनी सुंदर आध्यात्मिक स्थिति के माध्यम से तनाव से मुक्त हो सकते हैं, बीमारियों से मुक्त हो सकते हैं और जीवन का संपूर्ण आनंद ले सकते हैं। आइए देखते हैं उनकी सेवाओं को। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में चल रहे सड़क सुरक्षा अभियान का समापन हो गया है। इसके समापन अवसर पर सरगुजा जिले के पुलिस अधीक्षक अमित तुकाराम कामले ने ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा चलाए गए इस अभियान की सराहना करते हुए कहा कि आज समाज को ऐसे अभियानों की सख्त जरूरत है। आपने अगर पूरा साल भर में काम किया और सिर्फ एक व्यक्ति सुधर गया तब भी मुझे ऐसा लगता है कि इट इज वर्थ इट, क्योंकि उस व्यक्ति की जान भी रहती है वो बड़ी मूल्यवान रहती है, एक व्यक्ति की जान भी रहती है बड़ी मूल्यवान रहती है। गगन के छोर भारत ने भरी उड़ान है। यातायात नियमों की पालना और शांत एवं एकाग्र मन ही सड़क यात्रा को सुरक्षित बनाने की असली गारंटी है। यही संदेश ब्रह्मा कुमारी संस्थान के सदस्यों ने छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में सड़क सुरक्षा अभियान के दौरान 50,000 लोगों को दिया, जिसमें से 5,000 लोगों को यातायात नियमों की पूर्णता पालन करने और व्यसनों का सेवन न करने की प्रतिज्ञा भी कराई। सरगुजा संभाग के प्रभारी बी के विद्या के मार्गदर्शन में 4 दिनों तक चले इस अभियान ने 200 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए स्कूल, कॉलेजेस, पेट्रोल पंप जैसे अनेक स्थानों पर कार्यक्रमों का आयोजन करके सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाई। हर कदम आगे बढ़ाना है, एक नया सूरज उगाना है, हमने मन में ठाना है स्वर्ग धरती पर ही बनाना है, नए संकल्पों का अवसर है, भारत माँ को नमन सौ सौ है। जन जन का उत्सव है, हर मन का उत्सव है, ये महोत्सव है। इस अभियान का शुभारंभ राज्य मंत्री पद का दर्जा प्राप्त अजय अग्रवाल, महापौर डॉक्टर अजय कुमार तिर्की, जीआरटीओ ऑफिसर सीएल देवांगन, सरगुजा संभाग प्रभारी बीके विद्या समेत शहर की जानी मानी हस्तियों द्वारा हुआ था। सड़क दुर्घटना से बचने के लिए यातायात नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए। कार्यक्रम के अंत में अतिथियों ने शिव ध्वज फहरा कर एवं गुब्बारे उड़ाकर मोटरसाइकिल रैली को रवानगी दी। मित्रों, जहाँ से शुरुआत की थी वहीं अंत करना चाहूँगा, क्योंकि जीवन की बहुत ही महत्वपूर्ण और धारण करने योग्य बात है। जब हमें ये पता है कि जो हम देंगे वही घूम फिर कर हमारे पास आएगा तो क्यों ना सबको बेहतरीन ही दिया जाए। कई बार ऐसा होता है मित्रों, जिस प्रशंसा की हम बात कर रहे थे कि हम प्रशंसा करेंगे तो दूसरों से भी हमें प्रशंसा प्राप्त होगी, कई बार हम सामने तो प्रशंसा करते हैं, सामने तो अच्छा अच्छा बोलते हैं, लेकिन जब वो चले जाते हैं तो उनके पीठ पीछे औरों से उनकी बुराई करना शुरू कर देते हैं कि सामने था तब मैं बोल रहा था, लेकिन ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। याद रखें, पीठ पीछे बोली गई बात भी घूम फिर कर उस व्यक्ति तक और फिर उसके माध्यम से हम तक भी पहुँचेगी। इसीलिए एक कहावत है हिंदी में, मुख में राम बगल में छुरी वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए। कोई सामने है तब भी प्रशंसा करें, तब भी अच्छा अच्छा करें, और कोई सामने नहीं है तो भी पीठ पीछे भी औरों की बहुत सुंदर प्रशंसा करें, उन्हें आगे से आगे बढ़ाएं। तो जो देंगे आगे या पीछे वही चीज़ें हमें प्राप्त होती चलेंगी। तो इस पर भी गहराई से विचार कीजिएगा कि हम अपने जीवन में बहुत साफ, स्वच्छ और ऐसी नियत वाले बने जो सबको अच्छे से अच्छा देने वाला है। कल पुनः मुलाकात होगी। अपना आज
ख्याल रखिएगा। नमस्कार, ओम शांति। जीवन के सब